नगर निगम वाला मारा बहन करनो धरनो कई नैन बात इतनी बनाई जो ना आखा उज्जैन का सड़क बनाई के धरी देगा। कल देखा गेट पे टेकड़ा की वजह से 8 साल की बच्ची की मौत वाला मामला हाल तक ठंडो भी नहीं हुआ ना बे नवो कांड हुई गयो। आनंदगंज के जिरी आड़ी रविवार दफोर एक गाय ने एक बच्चा के उठाई के जो पटकियो तो बापड़ा आयुष्युक माए जिन गिन मौत के बीच में जैकन लटकी गयो। हाई सरकार का दिया आशीष का बाद सगड़ा नगर निगम का अधिकारी उन एक बात कहता फरे हम कई करा यहाँ कोर्ट को डंडो है वही संगठन उनको फंडो है। आनंदगंज के जिरिम रेव वाला मोहन जी का 10 साल का बेटा गोपाल की हालत हाल तक खतरम बनी हुई है। वीके सरकारी अस्पताल का माए आईसीयू में भर्ती कराया तो यहाँ से भी सांझ के घरवाला ले गया कह के इंदौर दिखाएंगा। ये हाल है अपना शहर में नी तो कोई विधायक बोल वक्त तैयार नी महापौर जी नी दूजा कोई नेता जी। 20 साल से सरकार से बाहर बापड़ा विपक्ष वाला उन सवाल उठाए तो विनके दबावा का नारा सारा हथकंडा निकाली के ना ही जाए। सरकार भी करत कई करे कहां से दबाव बने विपक्ष वाला उनके मारा भाई उनके अली अलग नहीं मानी रहा खुद को खुद ज मजाक बनवाए आनी वजह से हर कोई अलकम ले जाए। अबे यो सीन देखो गई सांझ को भाई बेड़िया उन पे हुआ अत्याचार का विरोध में गई सांझ आखा प्रदेश में मसाल वालों जुलूस निकलनो थो। मसाल उनकी परमिशन नहीं मिली तो युवक कांग्रेस वाला सगड़ा भाई उन हाथ में लियो मौन जुलूस वालों बैनर ने सड़क पर निकली के पैदल मार्च निकाल दियो। हाथ में बैनर मौन जुलूस को ने मुंडो एक को भी बंद नहीं बताओ अबे मजाक नहीं बने कहीं बने। आपको पता है प्रदेश में अनगिनत महिलाओं के साथ बच्चों के साथ दुष्कर्म की शिकायतें आ रही हैं। ये शासन प्रशासन ये भाजपा की सरकार मिसकॉल देकर सदस्य बनाना चाहती है पर उन बच्चियों के लिए उन महिलाओं के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं निकाल रही है जिससे वो अपनी मदद मांग सके। यही सब मांगों को लेकर हमने आज मौन जुलूस निकाला था। शहर में चली रही अधिकारी उनके मनमर्जी तो आपने देखी जाए लाल फीता साई वाली मनमर्जी खाली यहाँ नहीं चली रही गामड़ा उनमें भी ही जाल है। आम जनता कोई सुनवा के तैयार नहीं अपनी मनमर्जी चलाता जाए जनता भले ही बाढ़ में जाए। चिंतामन जवासे वालों यो एक सीन देखी लो शनिवार भी आंदोलन भी रविवार भी आंखों दंड वही गयो पछता यहाँ जवासे चिंतामन का बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग निकली रही है। अब समस्या यहाँ के किसान उनका घर तो आई है ने खेत उन वही बीच में तणेगी राजमार्ग की दीवार जनी रास्ता पे टोल की दुकान खोलनी है वीके तो तेजी से बनाई रहा नीचे किसान उनको निकलवा का रास्ता बनाया ही नहीं। अबे सोयाबीन काटनी है फिर से खेत आंकना है जोतना है बोवनी करनी किसान कहाँ जाए किन से मदद की फरियाद लगाए। रविवार सगड़ा बेला हुआ काम रुको दियो आखो दंड वही गयो दंड भर खाली आए वही की बात उन मचकती रही हल्का भी निकलियो जो हमने कहा था हमने यही कहा था कि मोरम की रोड बना के हम देंगे वो देंगे सूखा नहीं है इसलिए जितेंद्र जी बना नहीं मांकल रजक मंदिर का माय जनी तरीका से भीड़ बढ़ी रही लोगों की आवाज आई बड़ी आनी वास्तव में मंदिर का माई भी अलग अलग विभाग उन बनी जाएगा। एक विभाग खाली आवक जावक देखेगा एक इंजीनियर उनको अलग विभाग रहेगा विनवन जूना काम उन देखेगा एक विभाग खाली सुरक्षा काम देखेगा आनी तरीका से काम उन बटी जाएगा। इसके अलावा चिंतामन अड़िक मंदिर के गौशाला के भी अबे बमोरा गांव का माए भेजवा तैयारी है। रविवार दफोर कलेक्टर नीरज जी की अध्यक्षता में वही मंदिर वाली समिति की बैठक में ये सगड़ा फैसला उन हुआ है और भी नरा फैसला है इनका बारे में आपके कलेक्टर खुद नीरज जी बताई रहा। लड्डू प्रसाद जी का जो डिजाइन चेंज करना है उसमें निर्णय लिया जा चुका है कि उस पे शिखर का जो फोटो है उसको हटाया जाएगा और जो नए डिजाइन है वो समिति के समक्ष अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किए गए थे जिसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। निर्णय ये लिया गया है कि 4 नंबर गेट से लेकर के हरसिद्धि चौराहे तक इस पे मंदिर के जो गार्ड्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पर अतिक्रमण ना हो ये सुनिश्चित कराया जाएगा। तो मंदिर के सुरक्षा प्रभारी और क्रिस्टल की पूरी टीम मिलकर के सुनिश्चित करेगी कि वहां पर फिर से अतिक्रमण।
गई सांझ अपनाया उज्जैन वाला रेलवे स्टेशन पे घटना हुई जी। गुजरात का राजकोट से 58 साल का करण भाई मनसुख भाई उज्जैन दर्शन करवाना आया था। यहाँ कई पक फैसले रेल से उतरवा जल्दी दिखाई, एक का एक गिरन माथक बल आइकन पड़ी गया। सांझे जैसा यह घटना हुई जीआरपी वाला भाई उन्ने इनके झट अस्पताल पहुंचायो। यहाँ डॉक्टर उन्ने गंज कोशिश करी पर इनके करण भाई के बचा ही नहीं पाया, बापड़ा जान से जाता रहा। यात्रा के लिए निकले थे, हरिद्वार गए थे, वहाँ से उज्जैन आ रहे थे महाकाल के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद घर आने वाले थे। उज्जैन में पता नहीं क्या हुआ पर उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा मेरा हमारे नंबर था, कार्ड था, उसमें से पुलिस ने बताया ऐसे यहाँ उनके मृत शरीर प्राप्त हुआ है। सरकार का सगड़ा विभाग उनमें आपस में खेल वाली प्रतियोगिता उन्होंने, पुलिस सेना सीआरपीएफ इनमें तो हो जो है, पुलिस विभाग वाली ऐसी एक प्रतियोगिता का माए उज्जैन पुलिस विभाग को माथो भी ऊंचा हुई गयो। अपना चिमनगंज वाला थाना में काम करवा वाली बेनिया अंजलि गोरे आखा भारत वाली पुलिस की प्रतियोगिता में माए योगा प्रतियोगिता में चांदी वालों मेडल जीती के आई है। एक और भाई सोदान सिंह जिन वेट लिफ्टिंग का माए आखा भारत में आठवां पायदान पायो। एसपी साहब प्रदीप जी कने दो जीती के पहुंचा तो वी भी गदगद हो गया, झट दो के 5-10 हज़ार रुपये का इनाम दिया। छिपरा मैया मोक्ष दायिनी मणक को बस नहीं चले नहीं तो धर्म का नाम पेज। एक साल में नदी का इतनी गंदी करी दे, दूसरा साल खुद नहाना आए तो नाक बहुत सिकड़वा लगी जाए। 2-3 दिन पहला सर्वपित्र अम्मा उसको नान थो, लाखों भगत जगह धुन जुटिया, पाप तो नदी में छोड़िया नहीं छोड़िया, नदी में कचरों पटकवा पाप अलग से माथा दरी के घरे लेके गया। नान का बाद छिपरा जी की यह हालत वहीगी, इतनी थैलियां कचरो तेरी रियो है जने घर से लोग खाली प्लास्टिक छोड़वा का लिए नदी पे आया था। वहाँ तक नदी वाला मामला तो रिया धर्म को एक तरह का मजाक, दूसरी तरह मजाक भी देखी लो। आखा मालवा वाला बेल्ट में सैकड़ों हजारों जगह माता जी की आराधना चली रही है, गरबा चली रहा है। एक यो गरबा देख जो जरा वीडियो देखो, गरबो कम न मुजरो ज्यादा लगे। गरबा के नाम पे यो आयोजन अपने एक सेठिया उनका क्लब माधव क्लब का माए भी हो। जैसा हिंदूवादी संगठन वाला हमारा भाई उनने इनकी भनक लगी नहीं, झट विरोध करवाने पहुंची गया। एक बात ऊँच हुआ जो हमेशा हुए, माफी नामो फिर कई कोई हरकत होएगा फिर माफी नामो आ जाएगा। ये नहीं धर्म को मजाक राजनीति भी दो तरीका से है, एक सेवा की दूजी दिखावा की, ज्यादातर तो दिखावा पे चले। पर इना मामला मारा भाई ने कांग्रेस वाला नेताजी विक्की यादव अलग है जे, हाल नहीं तो कहीं तरह को चुनाव है नी इनकी पार्टी का नवा सदस्य उन बनी रहा, पार्टी टिकट की बाल्टी नहीं भरी का बाद भी आम जनता की सेवा में बिड़िया थका है। नवर तक पेला धन से रोज डेली 3-4 बसाउन भरी के भाई बहने उनके माता जी का मंदिर मंदिर में दर्शन करवाने ले जाए, फरियाल अलग कराए। 3 दंड में कोई 1,000 बेड़िया उनके दर्शन कर चुका है। हाल तो सिलसिलो चल लू जो है, या हो सेवा की राजनीति। महादेव के दर्शन कराएं, लगभग 5,000 से ज़्यादा माताएं बहनें उस कार्यक्रम में थी। पिछले साल भी हमने नारी शक्ति एक्सप्रेस के नाम से सभी माता बहनों को उज्जैन में स्थित 9 दुर्गा के जो मंदिर है उनके दर्शन कराएं। हमारी यात्रा का मेन उद्देश्य जो रहता है कि बहुत सारे परिवार में जो उनके बच्चे रहते हैं या पति रहते हैं किसी न किसी कारणवश उनको दर्शन कराने नहीं ले जा पाते, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात का बीड़ा उठाया, हम निशुल्क यात्रा कराते हैं। अच्छा, विक्की भैया के साथ पहले भी और कभी दर्शन करने गए 84 महादेव वगैरह? अगले साल भी आए थे हम लोग, पहली बार बहुत अच्छा लगा हमको।
अच्छा क्या आशीर्वाद देंगे अपने भाई को? बस यही आशीर्वाद देंगे, महाकाल राजा का ऐसे आशीर्वाद बना रहा है और हमेशा उच्च और ऐसे ही हर साल हम यात्रा करते रहे। यूं तो माता जी गरबाउन आखा मालवान चल रही है, पर तराना की बात थोड़ी अलग है। तरानम राठौर समाज की धर्मशालक माँ खाली दो दंड का गरबा जो है, यहाँ माँ उन बेणिया उन ने दो दंड गरबा करी, माँ की आराधना करी, रविवार सांझ इनको समापन भी वही गयो। साल है हमारा, दो साल से हो रहा है, तीसरा साल हमारा गरबे का आयोजन है। यहाँ पर महिलाएं और गर्ल वगैरह सभी करती है और ये राठौर समाज महिला मंडल की तरफ से नवरतम माता जी के आराधना वालों एक सीन बदनावर खूब जोरदार रियो। यहाँ बदनावर बाबा बैजनाथ महादेव का दरबार से रविवार एक जबरी चुनरी जत्रा निकली। यूं हमजो का आखो बदनावर रानी जत्रा में शामिल होने आई गया था। भवानी खेड़ा रोड का एक वीरा माता जी के मंदिर पे 555 फीट लंबी चूनर अर्पण वही बाबा बैजनाथ ने एक वीरा माता जी की झांकी होने का भी लोगों ने दर्शन पाया, खूब आनंद मनाया। माता जी की चुनरी अर्पण वाली एक जत्रा रजला गांव से भी जोरदार निकली। रजला से मारा भाई अर्जुन शर्मा जी ने रविवार अवेर निकली चुनरी जत्रा का ये वीडियो अपने भेजा है, आप भी दर्शन पहलो।